हेलो एवरीवन, वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फोर्स एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। थ्री मार्क स्पेशल बाय तन्वी मैम में आप सभी का स्वागत है। हम यहां पर लंबे समय से तीन मार्क टारगेट करते हुए पेपर वन की यूनिट फर्स्ट एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को कवर अप कर रहे हैं, राइट। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है चाइनीज हिस्टोरियंस, राइट, या फिर चाइनीज ट्रेवलर्स। देखिए, मैंने आपको पिछले सेशन में भी काफ़ी अच्छे से ये समझाया था कि भाई इंडिया का रिलेशन दूसरे देशों के साथ काफ़ी लंबा रहा है। अगर आप हरप्पन सिविलाइजेशन देखें तो वी हैव गुड रिलेशंस विद द मेसोपोटेमियम सिविलाइजेशंस, चाइनीज सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन एक्सेट्रा। आफ्टर दैट इफ वी टॉक अबाउट जनपद्स एंड महाजनपद्स, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जो है वो कवर होता रहा। साउथ इंडिया में अगर आप आओ सत्वहांस या फिर संगम एज में, तो रोमन्स के साथ हमारा एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेड चलता रहा। तो जब भी भाई एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स के साथ साथ एक्सचेंज ऑफ पीपल भी होता है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ कल्चर, रिलीजन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। एक ऐसा समय आता है भारतवर्ष में जब बुद्धिज्म की ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर चली हुई थी, राइट। उस बुद्धिज्म से सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कौन सा देश हुआ, तो इट वॉज चाइना, दैट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिज्म कल्चर, इट्स आइडियाज, इट्स थॉट्स एक्सेट्रा, राइट। इसी को और जानने के लिए बुद्धा की सेइंग्स को, पिताकास को, बुद्धा की जितनी भी किताबें थीं उसको और पढ़ने के लिए कई सारे चाइनीज ट्रैवलर्स भारत में आने लगे। और जब वो भारत में आए तो अपने कुछ ट्रैवल अकाउंट्स छोड़ कर गए, यानी कि राइटिंग्स लिख कर गए। इसी राइटिंग से हमें एक इन हिस्ट्री का क्या मिलता है भाई, सोर्स मिलता है। तो इट गिव्स अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, हेंस वी आर स्टडीइंग दिस। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले चाइनीज राइटर से। क्या नाम है इनका भाई, इनका नाम है फाहीन। ध्यान दीजिएगा भाई, फाहीन इनका नाम है। अब तीन मार्कर लिख रहे हैं तो छोटा से छोटा करने की कोशिश करेंगे, इम्पॉर्टेंट बातों को लिखने की कोशिश करेंगे। जब भी आप हिस्ट्री लिख रहे हो, किसी व्यक्तित्व की बात कर रहे हो, किसी जगह की बात कर रहे हो, राइट, तो उसके निर्माण का समय या फिर व्यक्ति के आने का समय लिखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो भाई फाहीन 399 से लेकर 414 AD तक भारत में रहे। इनका जो टाइम फ्रेम है वो क्या है भाई, 399 से लेकर के 414 AD। चलिए अब ये किस समय पर भारत में आए, 399 के समय पर। इस समय भारत की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी, तो भाई एडी में आए हैं 300 एडी के आसपास, 319 में गुप्त डायनेस्टी की शुरुआत हो चुकी थी 1920 के अराउंड, राइट। इस समय पर गुप्ता डायनेस्टी भारतवर्ष को रूल कर रही थी, राइट। पर्टिकुलरली गुप्ता में भी अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त टू वॉज द रूलर ऑफ इंडिया। आप लिखेंगे बिल्कुल कि फाहीन केम टू इंडिया एट द टाइम चंद्रगुप्त टू वॉज इन पावर और वॉज इन रूल, ठीक है। इनका एक ट्रेवल अकाउंट था जिसका नाम है फ्योक्योकी। क्या नाम है बेटा, फ्योक्योकी, राइट। ये हमें क्या देता है, ये हमें रिकॉर्ड्स देता है बुद्धिस्ट कंट्रीज का। ये फ्योक्योकी का मतलब ही यही है, रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज, इसको याद रखिएगा। ये भारत में कितने साल तक रहे भाई, 16 साल तक ये भारत में रहे हैं। इनका मोटिव क्या था, टू स्टडी, राइट, टू स्टडी बुद्धिस्ट लिटरेचर। इनका एकमात्र मोटिव था कि मैं बुद्धिस्ट लिटरेचर को पढूं, उसको चाइनीज भाषा में कन्वर्ट करूं और अपने लैंड में लेकर जाऊं, ठीक है। तो फाहीन के बारे में हमने क्या पढ़ा भाई, टाइम फ्रेम पढ़ा 399 से लेकर 414 AD तक। ही केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ चंद्रगुप्त टू। उनका ट्रैवल अकाउंट था फ्योक्योकी, दैट इज रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज। भारत में रहते हैं 16 साल तक और किस काम के लिए रहे भाई, किस काम के लिए रहे, टू कलेक्ट द बुद्धिस्ट लिटरेचर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले इंपॉर्टेंट चाइनीज ट्रैवलर की बात करेंगे जिनका नाम आप लोगों ने काफी बार सुना होगा। ये है हुआंग सांग। क्या कहेंगे हम इसके, हुआंग सांग, ठीक है। इनका समय काल जब भारत में रहे 629 से लेकर के 45 AD तक, राइट, 629 से लेकर के 645 AD तक। अब भाई 600 AD के समय पर भारत की सिचुएशन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
319 से लेकर के 320 एडी के समय पर गुप्त काल यानी कि गुप्ता डायनेस्टी का प्रेजेंस हमें भारत में दिखा, राइट। 300 सालों तक ये गुप्ता डायनेस्टी अपने पीक पर रहती है, लेकिन कई कारणों की वजह से 6th सेंचुरी एडी के आसपास इसका जो है वो डिसोल्यूशन होने लगा, यानी कि बैड फेज आने लगा, राइट। कई सारे कारण्स थे जैसे कि हुंस की एंट्री, वीक सक्सेसर्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब जैसे ही भाई ये डायनेस्टी नीचे उठती है तो एक यहाँ पर डायनेस्टी उठ के आई जिसका नाम है पुष्यभूति डायनेस्टी। ध्यान दीजिएगा, कौन है बेटा? पुष्यभूति डायनेस्टी, जिसे हम वर्धन डायनेस्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्धन डायनेस्टी भी कहते हैं। और इसी के एक महान रूलर थे हर्षवर्धन, राइट। हर्षवर्धन के समय पर ही कौन आया था? हुएंगसांग भारत में आए थे। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या लिखेंगे आप? हुएंगसांग केम टू इंडिया इन द रीन ऑफ हर्षवर्धन या फिर वर्धन डायनेस्टी, ठीक है। अब भाई ये क्या करने भारत में आए थे? ये बुद्धिस्ट लिटरेचर, बुद्धिस्ट कल्चर को भारत में समझने पढ़ने आए थे, और इसी के चलते वो नालंदा डायनेस्टी, नालंदा महाविहार यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी में स्टे करते हैं, ठीक है। गुप्त वंश के समय से नालंदा डायनेस्टी का यहाँ पर क्या हो गया? एस्टेब्लिशमेंट हो गया। और वहीं पर पढ़ने कौन आया है? हुएंगसांग आया है। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? किंग ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है। पिलग्रिम्स कौन होते हैं भाई? जो दूसरी कंट्रीज में विजिट करते हैं, बेसिकली जो मेहमान होते हैं, राइट। तो उन सभी मेहमानों में, सभी ट्रेवलर्स में हम किंग ऑफ पिलग्रिम्स किसको कहते हैं? हुएंगसांग को कहते हैं। अगर आप 3 मार्कर में ऐसे कुछ पॉइंट्स लिखेंगे तो इट विल मेक योर आंसर मोर अट्रैक्टिव, राइट। हो गई हुएंगसांग की कहानी कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं इत्सिंग के ऊपर। देखिए तीसरा यहाँ पर आता है इत्सिंग, 673 से लेकर के 95 AD तक। अब इत्सिंग कौन है भाई? इत्सिंग भी एक चाइनीज ट्रैवलर है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फ्रॉम 673 टू 95 AD यानी कि इन द डिक्लाइन ऑफ वर्धन डायनेस्टी, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए ये आपका हो जाता है इंडिया, सीधे यहाँ से लगाए चाइना। भाई अभी तक जितने लोग आए हैं वो यहाँ से ऐसे सीधे आते थे, लेकिन अगर हम बात करें इत्सिंग की तो इत्सिंग इस तरीके से कुछ भारत में घूमते हुए आए हैं, ठीक है। सुमात्रा, मलेशिया, ये वाला जो रीजन है इसको कवर करते हुए आए हैं। देखिए एक बात हम समझेंगे, अगर आप 600 एडी की बात करें तो इस समय पर बुद्धिज्म जो है वो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था, वो अलग अलग देशों में पहुंच चुका था, जिसका मेजर इन्फ्लुएंस कहाँ पर आता है? साउथ ईस्ट कंट्रीज में आता है। यही कारण था कि ये साउथ ईस्ट की कंट्रीज घूमते हुए फिर भारत में आए हैं। तो ये केम टू इंडिया थ्रू सुमात्रा। इन्होंने एक रिकॉर्ड लिखा, दैट इज रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन एज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया एंड मलय पेनिनसुला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी किताब का नाम देखिए, उन्होंने कहा कि अ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन, ठीक है। ये बुद्धिस्ट रिलीजन कहाँ पर प्रैक्टिस होता है? भारत में और मलय पेनिनसुला में। बेसिकली ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। यहाँ आपकी कहानी खत्म होती है इत्सिंग की। अब देखिए हमने जितने 3 मार्कर अभी तक पढ़े उसका 3 टारगेट हमारा रहा। एक उनका टाइम फ्रेम, किसके समय पर वो आए, ठीक है, कौन सी उनकी किताब रही और वो क्या करने भारत में आए थे। तो ये 4 पॉइंट अगर आप बैठ के दिमाग में बैठा लोगे तो ये 3 मार्कर्स विल बी मोर ईजियर, राइट। एक और यहाँ पर चाइनीज ट्रैवलर है, देख लो भाई मोहन नाम है इनका, मोहन, बेसिकली 15th सेंचुरी में आए हैं। अब आप समझ सकते हैं मिडाइवल इंडिया के समय पर ये भारत में आए हैं। बेसिकली ही विजिटेड बंगाल, ठीक है, और उन्होंने अपना जो ट्रैवल अकाउंट लिखा जिसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, उस ट्रैवल अकाउंट में ही प्रेस्ड, तारीफ करी उन्होंने, प्रेस्ड होना चाहिए ये, प्रेज द थिंग्स ऑफ बंगाल। बंगाल आपको पता है कि भैया शुरू से सामानों का हब रहा है, राइट। एग्रीकल्चर परस्पेक्टिव से बात करें तो भाई ये जो नदियों का संगम यहाँ पर बनता है तो एग्रीकल्चर बूस्ट करता है, ठीक। एक्सपोर्ट 60% बंगाल से ही रहा, तो उन्होंने बंगाल के रीजन को प्रेस किया। बंगाल में रहे कौन? मोहन। मिडाइवल टाइम्स में भारत में ये आए थे। चलिए एक इम्पॉर्टेंट तिब्बतन राइटर के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी,
भाई देखिए, इतने सारे चाइनीज ट्रैवलर हमने पढ़े, एक तिब्बत राइटर के बारे में भी आप देखेंगे जिनका नाम है तारानाथ। वेरी मच ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ अवर हिस्ट्री इट इज इम्पॉर्टेंट। तो भाई तारानाथ भारत में कब आए? 13th century AD में ये भारत पे आए। ठीक है, कब आए भाई? 13th century AD में तारानाथ भारत में आते हैं। इन्होंने लिखी कंगयुर और तंगयुर, दो किताबें हैं इनकी जिसका नाम है कंगयुर और तंगयुर, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तारानाथ भी बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। किसको फॉलो करते थे बेटा? तारानाथ वॉज अ ग्रेट फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। ही रॉट तंगयुर एंड कंगयुर एज वेल एज ही गिव एंशियंट, यानी कि ही गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एंशियंट पीरियड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हमने कहाँ से शुरुआत किया था? स्काइलक से किया था। ठीक, हेरोडोटस पे गए, मेघस्तिनीस के बारे में हमने पढ़ा, ओनेसिट्रस के बारे में हमने पढ़ा। ठीक, और फाइनली अगर हम देखें तो वी हैव एंडेड विद द तिब्बतन चाइनीज राइटर्स के बारे में हमने पढ़ा, फाहीन, हुआंग सांग, इत्से, और तिब्बत राइटर के बारे में हमने यहाँ तक कहानी आपके ख़त्म करी है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा, वी विल बी फोकसिंग अपॉन अरब राइटर्स। किस पे फोकस करेंगे बेटा? अरब राइटर्स पे फोकस करेंगे, जैसे कि अलबरूनी एक्सेट्रा। ठीक है, तो जुड़े रहिए अगली क्लास से इसी तरीके से। धन्यवाद, जय हिंद।